जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ प्रेजेंस थोड़ी कम है, तो इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं कि आपको उस टाइम पे इतनी स्पेस नहीं दी गई? 2010 में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे फिटनेस की ओर मुड़ना पड़ गया, क्योंकि उसको तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। और जिम में अगर 6 महीने में कोई बंदा जाके गिर गया तो उसको ऐसा हाईलाइट कर देंगे कि बस जिम तक ना जाएं बंदे। कि आप प्योर वेजिटेरियन हैं, और अक्सर हम ये चीज़ सुनते हैं कि जो जिम का बंदा होता है, फिटनेस फ्रीक होता है, उसे नॉन वेज खाना ज़रूरी है। मैं तो यूथ को बोलना चाहूंगा कि पहले अपनी स्टडी पूरी कर। समस्त सुखों का आधार शरीर है, इस बात को साबित करेंगे हमारे आज के एपिसोड में अतिथि। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत शर्मा, स्वागत है आपका वायम से संचार की खास सीरीज तजुर्वा में। और तजुर्वा में हमारे आज के मेहमान हैं लोकेश राजपूत, जो कि मिस्टर वर्ल्ड, 6 बार इंडिया को विदेश में रिप्रेजेंट करके, 1 बार सिल्वर मेडल, तो रिसेंटली 2023 में गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल करा। लोकेश जी ने अपना सफ़र दिल्ली से शुरुआत की और हाल ही में लोकसभा इलेक्शन में 2024 में वो फरीदाबाद के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक शो यू सो में। मच, थैंक यू सो मच सर। आप एक किसान परिवार के बैकग्राउंड से आते हैं, जी एक आम आदमी का बैकग्राउंड, लेकिन आपने दुनिया को अपने नाम का डंका बजवाया, अपने सिर्फ अपना ही नहीं पूरा देश हरियाणा और यहाँ तक कि अपने पैतृक गांव लढ़ौली का नाम भी रोशन करा। कैसा रहा आपका अब तक का सफर? सर, बचपन से ये था कि कुछ बड़ा करना है और अभी उसी में लगा हुआ हूँ। अभी तक का सफर अच्छा है और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम और अच्छा होगा। शुरुआत कैसे हुई आपकी? जब आपके बारे में पढ़ा गया तो ऐसा भी सुना कि आप पहले यूपीएससी की तैयारी करना चाहते थे, फिर उसके बाद आपने, कैसे शिफ्टिंग हुई इस लाइन की तरफ? मेरे जो फादर हैं वो दिल्ली पुलिस में अभी अराउंड दो साल हो गए उनको, तो उससे पहले तक वो दिल्ली पुलिस में थे, तो उसके बाद वो रिटायर हो गए। तो बचपन से ही देखा है कि मुझे पुलिस में जाना था, पुलिस में, बट कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। मुझे बनना था बड़ा ऑफिसर, बट 2010 में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे फिटनेस की ओर मुड़ना पड़ गया कि भाई गांव की राजनीति ऐसी होती है कि गांव में एक बंदा स्ट्रांग होना चाहिए फैमिली में। तो कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे लगा कि नहीं, एक बंदा स्ट्रांग होना चाहिए। तो फिर जैसे ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो वहाँ से मुझे फिर याद आया कि मुझे तो आईपीएस ही बनना था, तो मैं फिर से यूपीएससी करने गया। आपने शुरुआत करी जब अपनी फिटनेस जी की, तो आप सबसे पहले मिस्टर गुरुग्राम बने, यस फिर मिस्टर हरियाणा, फिर 3 बार जी मिस्टर दिल्ली रहे। ऐसा भी कहा जाता है कि संघर्ष के समय में आपने 7 रुपए की टिकट ली थी बल्लमगढ़ से दिल्ली जाने तक की। तो हर इंसान के हाईज और लोज होते हैं, तो जी आपके क्या लोज रहे और फिर उन लोज से आपने बाउंस बैक कैसे करा? नहीं, मेरे जो वो थे, जो मेरे कोच थे, उन्होंने बोला था कि 1 साल अपने आप को दे दो और कुछ भी इफ और बट नहीं होना चाहिए। जो आपका शेड्यूल दिया है वो आपको फॉलो करना है। सुबह आपको घर से निकलना है। मुझे अराउंड जहाँ मेरा वर्कआउट होता था 3.5 घंटे लगते थे। पहले मैं गांव से जाता था, ये अपने रेलवे स्टेशन है असावटी, वहाँ से ट्रेन पकड़ के दिल्ली, दिल्ली से मेट्रो पकड़ के जहांगीरपुरी। तो ये होता था सफ़र। टफ तो बहुत था, बट एक था कि 1 साल का मेरा टाइम है तो मुझे बॉडी फिट करनी है तो करनी है। तो शुरुआत में जब आपने इस लाइन में एंट्री जी करी, तो अमूमन सी बात है कि जब एक नॉन फिजिकल बॉडी जब एक लगातार फिजिकल एक्सरसाइज में जाती है तो बैक जी पेन्स भी होते हैं, जी तो लोग वहाँ पे कई बार क्विट करने की भी सोचते हैं। तो कभी जी आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि यार ये मुझसे नहीं होगा, कुछ और मैं कर लेता हूँ? नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो जो लाइफ में सोचा है वो मैंने अचीव किया है। और दिमाग में एक है कि मतलब ये मैंने टारगेट फिक्स किया, करना है तो करना है। मुझे आज अराउंड 14 ईयर हो गए थे 5 जुलाई को। मुझे याद नहीं है कभी कि मैंने अपना वर्कआउट स्किप किया हो। एक बार मुझे कोरोना हुआ था तो मैंने 7 डेज़ का स्किप किया है। एक बार मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था तो मुझे डॉक्टर ने 15 डेज़ का रेस्ट बताया था। उसके बाद जो वीक में एक दिन रेस्ट होता है वो मैं रेस्ट करता हूँ। बट एक ये कि सुबह 4:30 उठना है तो उठना है। तो एक बस अपना एक है कि सुबह से और रात तक का फिक्स है, ना कहीं जाना है, ना कोई पार्टी है, ना कुछ। अगर कहीं जाना भी पड़ा तो मैं 1 बजे भी रात को आया तो मुझे 4:30 बजे उठ के जिम जाना है। अच्छा, तो कुछ बस ये ऐसे बस। सवाल भी हमारे मन में जी आते हैं कि इंसान जब एक बार अपनी बॉडी बना लेता है जी तो क्या
बॉडी बनाना मुश्किल है, फिर उस बॉडी को बनाने के बाद उसे मेंटेन करना उससे ज्यादा मुश्किल नहीं, हो बॉडी जाता बनाना तो बहुत आसान है, बट बॉडी को मेंटेन करना, अभी जैसे मैंने मैं अपना मानवचना से पास आउट हूँ, तो मेरी अभी बात हो रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे से बोला था जो वहाँ के एक अपने हैं स्टाफ के, क्या लोकेश 2013 में भी तू ऐसा था और अब हम तुझे 11 साल बाद देख रहे हैं अभी भी तू ऐसा है। तो मैंने उनको भी बताया कि सर बॉडी बनाना तो बहुत आसान है, मतलब मैं किसी की भी बॉडी एक साल में आराम से ऐसी तो बनवा दूंगा जिससे उसको कपड़े अपड़े अच्छे लगें, बट बात होती है मेंटेन करने की कि बंदा कब तक सरवाइव कर पाएगा। कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं आपके पास जो कहते हैं कि 1-2 महीने में बॉडी बना दो, शादी है मेरी? हाँ सबसे ज़्यादा तो ये आते हैं, लास्ट टाइम भी मेरे से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब हमारे यहाँ ना एक तो जिम वाले लोगों को इतनी रिस्पेक्ट दी नहीं जाती है, जिम जिम मतलब जितने भी जिम के ट्रेनर्स हैं उनको बहुत कम लोग ऐसे हैं जो थोड़ी भी रिस्पेक्ट देते हैं, फिटनेस के बारे में बात ही नहीं की जाती, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल्स और जितने भी ये ना जंक फूड के इनकी दुकानें थोड़ी डाउन हो जाएंगी, जबकि हमें बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि 1 घंटे फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1 साल कोई भी बंदा रेगुलर जिम जाए या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करे तो 90% चांस हैं कि वो बीमार नहीं होगा। आप एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन भी हैं, जी डाइटिशियन भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फिटनेस की आपने बात करी। जी बहुत से सीन्स हम न्यूज़ में ऐसे देखते हैं कि उसमें कहान किस्से आते हैं कि जिम करते हुए लोग बेहोश हो गए, हार्ट जी अटैक हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो क्या कुछ लोग उसे रिलेट करते हैं कि शायद इसने पाउडर खा लिया होगा या स्टीरॉयड्स ले लिए होंगे। आप तो इस बैकग्राउंड से हैं, हकीकत क्या यस, रहती है इन चीज़ों की? हकीकत ये है कि जैसे इंडिया में ना जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो भी मतलब यूपीएससी की पढ़ाई काम यहाँ पे आई थी कि हर 4 मिनट में एक हार्ट अटैक होता है, उसको तो कोई ध्यान ही नहीं देगा, और जिम में अगर 6 महीने में कोई बंदा जाके गिर गया तो उसको ऐसा हाईलाइट कर देंगे कि बस जिम तक ना जाएं बंदे और अपना बीमार होते रहें या फिर उनको कोई भी डिजीज़ उनको लगती रहे। दूसरा ये कि अगर हम अपने जो पूरे डे की हमारी एक्टिविटी है और अगर हम अच्छा खाएंगे तो यहाँ तक जा ही नहीं सकता बंदा, नहीं होगा वो बीमार। एक बैलेंस डाइट हमें बचपन से पढ़ाई जी जाती है, कितनी अहमियत है एक बैलेंस डाइट की, चाहे वो बंदा जिम करे या ना करे, नॉर्मल लाइफ में भी बैलेंस डाइट कितनी महत्वपूर्ण रखती है एक इंसान के लिए? देखो मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैंने पहले बीएससी किया फिर उसके बाद एमएससी किया। फिलहाल PhD भी कर रहे हैं आप? हाँ हम हर 3 घंटे में हमारी बॉडी में कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म मतलब हमारी मसल्स टूटती हैं, तो लोगों को मैसेज ये होगा कि हर 3 घंटे में थोड़ा कुछ खा लें, मसल्स को टूटने ना दें। कैटाबॉलिज्म के दौरान जो मसल्स ब्रेक डाउन होगा अगर वो आपने होने दिया, जैसे हम सोचते हैं कि एक बार हम सुबह खा लें एक बार हम रात को खाएंगे, तो उन बंदों के पेट निकले हुए मिलेंगे जो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो थोड़ा जी थोड़ा खाया जाए और वीक में 3 डेज मसल्स को ट्रेन किया जाए। मैं नहीं बोल रहा कि आप 6 के 6 दिन जिम करो, जिम करो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, बट 2 से 3 दिन आप मसल्स को ट्रेन कर लें, मसल्स आपकी ट्रेन होंगी तो आपकी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा, फिर आप 6 रोटी भी खाओगे ना नहीं निकलेगा पेट। हाँ, जैसे आपने ये बात बताई कि जो गैप में खाना खाते हैं तो उनके यस हेल्दी हो जाते हैं, तो ऐसी मेरे दो दोस्त हैं वो हाँ एक दूसरे के होगा बिल्कुल होगा अपोजिट हैं। एक है कि वो बहुत कम खाती है तो वो थोड़ी हेल्दी है, लेकिन एक है जो हर आधे घंटे में कुछ खाती है, वो बिल्कुल पतली है। तो यस इसके पीछे यही चीज़ है। जी है एक था कि आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके पास ऐसी तमाम ब्रांड्स आती हैं जी अपने चीज़ों को प्रमोट कराने के जी लिए। कभी आपके साथ, पहला सवाल तो यही कि आप क्या देख के किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, और दूसरा ये कि कभी कोई ऐसी ब्रांड प्रमोट करिए कि जिसके प्रमोट करने के बाद पता चला यार ये वाली ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहिए था। नहीं, जैसे मेरा ना थोड़ा सा जो मेरा बैकग्राउंड है वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ ज़्यादा है, तो वो मुझे आज तक समझाते हुए आए हैं कि कुछ भी गलत ना हो जाए और मैं भी हर संभव कोशिश करता हूँ कि कोई भी गलत कदम ना उठे। मेरे पास बहुत सारे, मैं आपको अभी भी डीएम दिखा दूंगा, जो मुझे 50,000 1 लाख 1.5 लाख एक स्टोरी डालने के देने के लिए तैयार हैं कि ये हमारा पेज प्रमोट कर दो कि हर दिन 10 से 20,000 रुपये कमाएं और जिनको कमाना है वो इस पेज, तो मैं ये वाले जो ब्रांड है मैं उनको बिल्कुल भी नहीं करता।
और इनफैक्ट अभी तो कुछ ज़्यादा कुछ प्रमोट किया ही नहीं है। इंडियंस कुछ जो आजकल बच्चे यूथ उनका जिम की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो ये सोचते हैं कि कम समय में उनकी बहुत अच्छी फिजिक बने, फिर वो आगे इसमें अपनी जर्नी करें। तो क्या बॉडी बिल्डिंग फिटनेस जिस चीज़ में अभी आप हैं, क्या वहाँ पे अभी इतनी करियर ऑप्शंस हैं? अगर हैं तो कैसे वो इस चीज़ को पा सकते हैं? देखो इंडिया में मुझे नहीं लगता है, मैं तो यूथ को बोलना चाहूँगा कि पहले अपनी स्टडी पूरी कर लें और अच्छी तरह जब उनको हो जाए ना कि हाँ अब वो स्टडी करने के बाद अच्छी उनको जॉब मिल गई है, मेरे से मिल लेना, मैं एक साल में उनको फिट करा दूंगा। बट अगर उन्होंने पहले ही सोच लिया कि हमें जिम में जाना है तो वो एक गलत डायरेक्शन में चले। अगर वो इसमें करियर बनाना चाह रहे हैं, वर्कआउट करना है तो वो तो खैर करना ही चाहिए, बट करियर इंडिया में अभी नहीं है और ना ही ट्रेनर्स को और जिम ओनर्स को सम्मान अभी इतना मिल रहा है। बट कुछ जैसे जो अनसर्टिफाइड जिम ट्रेनर्स वगैरह, तो वो इन चीज़ों को क्यों नहीं बताते? अगर जब बच्चे जाते हैं तो वो तो कहते हैं कि आप कल से आ जाओ, आज से आ जाओ, और जब बच्चे जाते हो तो ये भी कहते हैं कि ये वाला प्रोटीन यूज़ करो। तो प्रोटीन यूज़ करना चाहिए या फिर नॉर्मल खान जो फ्रूट्स वगैरह इनसे भी इनटेक पूरे हो सकते हैं? देखो जो नॉर्मल ट्रेनर होते हैं ना उनकी बेचारों की सैलरी होती कम, और बॉडी अगर हमें मेंटेन रखनी है तो 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये कम से कम चाहिए तो बंदा फिट रह सकता है। तो जब उनकी इनकम नहीं हो पाती, ट्रेनर्स को इतना पैसा नहीं मिल पाता, तो वो सोचते हैं कि यार कोई भी क्लाइंट आएगा तो उसको हम प्रोटीन भेज दें। उसके बाद फिर वो इतना तक चले जाते हैं कि उनको लोकल प्रोटीन भी देने लगते हैं कि 1000 रुपये का होगा और उसको 5-6 हज़ार का दे दिया। तो वही वाली बात आ गई कि भाई यहाँ पे ट्रेनर्स को इतनी सैलरी वैलरी मिल नहीं रही है कुल मिला के। तो आपने भारत का 6 बार प्रतिनिधित्व किया, 7वीं बार आप जर्मनी में करने जा रहे हैं, तो उस 7वीं प्रतियोगिता के बारे में आप थोड़ा कुछ बताएंगे, कब प्रतियोगिता है, कहाँ पे होगी? ये है 6th of October जर्मनी, और जो मैंने लास्ट ईयर जिसमें मेरा गोल्ड आया था वही चैंपियनशिप है दोबारा से। आप जब जीत के आए तो साधारण सी बात है कि आसपास के लोकल नेता बधाई देने आते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या कभी आपकी उनसे इस चीज़ को लेके बात हुई कि कैसे इस चीज़ को मतलब इस वाले स्पोर्ट्स को और आगे ले जाया जा सकता है कि कुछ पॉलिसीज बन सकें? क्योंकि आज भी आप बता रहे जैसे कि पैसा नहीं है, लेकिन जब कोई बाहर खेलने जाता तो उसके लिए फाइनेंशियल नीड बहुत ज़रूरी होती है। अब हर किसी की फैमिली इतना सपोर्ट नहीं कर सकती। ये गेम वही बंदा खेल सकता है जिसकी फैमिली सपोर्ट कर रही हो। दूसरा इसमें गलती हमारे जो कुछ फेडरेशंस वाले ना उनकी भी है, हमारे फेडरेशंस वालों को और गवर्नमेंट को मिलके पूरे इंडिया की एक फेडरेशन बनानी चाहिए, उसमें फिर पूरे इंडिया में कंपटीशन हो और तब टॉप बंदे निकले, उनको वो फिर गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा दें सपोर्ट, तो इस गेम में कुछ बात बनेगी, नहीं तो नहीं। हाल ही इलेक्शन में आपको फरीदाबाद से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, उससे पहले लेकिन आपको गुरुग्राम में बना दिया था एक बार आपको। मैं 2019 में गुरुग्राम से था जी, और 2024 में मैं यहाँ से था। तो जब आप इंस्पायर करते हैं वोट डालने के लिए, लेकिन फिर भी इस इलेक्शन में तो थोड़ी परसेंटेज बढ़ी, लेकिन फिर भी यूथ अभी थोड़ा कम आ गया है, तो उसको लेके आप क्या देखते हैं? जब आप प्रमोशन करने गए तो कैसे यूथ इंटरेक्ट हुआ था आपके? सर उसमें ना इतना समझ में आता है कि शहर के जो लोग हैं उनको तो कुछ लेना देना नहीं है, जबकि जागरूक वही लोग ज़्यादा हैं। वो जैसे उनको लगता है कि 2 दिन का हॉलीडे है तो मैक्सिमम लोग घूमने निकल जाते हैं। गांव के जो लोग हैं वहाँ पे जागरूकता इतनी है नहीं, वहाँ जाति धर्म के नाम पे फिर वोट डाला जाता है, तो मेरे हिसाब से तो इलेक्शन में कुछ फेयर होता नहीं है। जब हम लोकेश राजपूत को वेबसाइट या गूगल पे ढूंढने निकलते हैं तो उनके सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ दिख जाते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन उनके हार्डकोर मीडिया जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वहाँ प्रेजेंस थोड़ी कम है। तो इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं कि आपको उस टाइम पे इतनी स्पेस नहीं दी गई, क्या था कारण? जैसे मैंने इंडिया को फर्स्ट टाइम जब रिप्रेजेंट किया था तो आज से 8 साल पहले किया था, 8 साल से ज़्यादा हो गए। कुछ तो गलती मेरी भी रही थी कि मैंने उस टाइम पे, जैसे मेरे बाद बहुत से लोग आए और उन्होंने अपने YouTube चैनल भी ओपन किए, तो आज वो अच्छा मतलब अच्छा उन्होंने नाम कमा रखा, अच्छा उन्होंने किया है अर्न, बट ये कि बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट इतनी है नहीं, खुद के दम पे करेगा तो बंदा करेगा, नहीं तो नहीं मिलती। गवर्नमेंट भी अभी इन चीज़ों को नहीं देती, कुछ नहीं देती।
जबकि ओलंपिक्स में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको, फिजिशियन जो होते हैं वो सब कुछ देते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें एक लास्ट में आपसे यही कि जो यूथ अगर बॉडी बिल्डिंग की तरफ आना चाहता है, एक ये भी था कि एक क्वेश्चन स्किप हो गया कि हरियाणा का जो यूथ है वो आजकल नशे की तरफ भी ज़्यादा एडिक्टेड है जी, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नशा ना करो? गवर्नमेंट तो अपना मिशन चला ही रही है, लेकिन एक एज अ इन्फ्लुएंसर के तौर पर जब आप बैलेंस डाइट के लिए बोलते हैं, जिम जाने के लिए बोलते हैं, तो क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे मैंने एक जो अपना लास्ट इंटरव्यू था उसमें बोला था, ओझा सर हमारे बोलते हैं जो UPSC वाले हैं कि भाई या तो मंदिर चले जाओ या फिर जाओ लाइब्रेरी, और इन दोनों जगह नहीं जा सकते तो फिर आप जिम में ही टाइम बिता लो। तो अगर हम जिम जाएंगे तो बंदा नशे से दूर रहेगा, इतना तो कन्फर्म है, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में आज तक ड्रिंक और स्मोक मैंने, मतलब मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने देखा ही नहीं होगा, मतलब अंदर से आवाज़ नहीं आती कि यार हमें करने। सुबह जो बंदा 4:30 बजे उठ के 1.5-2 घंटे 3 घंटे जिम में लगाएगा ना, वो पूरे दिन फिर हेल्दी खाएगा। आपकी इसी से मुझे एक बात रिकॉल हुई कि आप प्योर वेजिटेरियन हैं। यस। और अक्सर हम ये चीज़ सुनते हैं कि जो जिम का बंदा होता है, फिटनेस फ्रीक होता है, उसे नॉनवेज खाना ज़रूरी है। क्या ऐसी चीज़ है कि नॉनवेज ही आपकी प्रोटीन जो इंटेक होता है वो पूरा कर सकते हैं, वेजिटेरियन चीज़ों से भी कर सकते हैं? हमें हमारी प्रोटीन इंटेक को फुलफिल करना है, तो अब आपको ये देखना है कि आप वेजिटेरियन हो तो अगर आप वेज डाइट से कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप फूड सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हो। मैं फूड सप्लीमेंट का पूरा सहारा लेता हूँ, उसमें कोई वो हेल्थ के लिए दिक्कत नहीं देते फूड सप्लीमेंट? नहीं, मतलब अगर फूड सप्लीमेंट ओरिजिनल है तो नहीं देता। तो इसकी पहचान कैसे होती है कि ओरिजिनल है नकली? वो सर उसमें ना इम्पोर्टर का टैग होता है आप, और उस पर एक स्कैन कोड होता है उनकी, आप वेबसाइट पर जाके उनको कॉल करोगे तो वो डब्बे का लॉट नंबर जो उस पर डब्बे पे लिखा होगा, लॉट नंबर और एक्सपायरी डेट, फ्लेवर, सारा कुछ बता देंगे कि यस, तो वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी अपना कीमती समय में देने के लिए। आपने आज हमारे स्टूडियो को विजिट किया, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें मीडिया डिपार्टमेंट के। मैं आपको सच बताऊं, मैंने जब आपका एक दो शायद आपकी वो डीपी लग रही थी, मैं तुम्हें सोचा था कि शायद छोटा सा स्टूडियो होगा, मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा वो पोस्ट प्रोडक्शन था, अशोक श्रीवास्तव जी जो डीडी के एंकर हैं उनके साथ। मैंने ना मतलब ये जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, मैंने फर्स्ट टाइम इतने लोगों के सामने बोला है, तो मैं तो खुद ही, मुझे लग रहा था यार मतलब कैसे हो पाएगा, बट अच्छा लगा मुझे। ये अक्सर जब मैंने आपके पॉडकास्ट देखे तो उसमें एक बात अक्सर गेस्ट पूछते थे कि आप इतने डाउन टू अर्थ हैं, तो जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम अप्रोच करा तो ये चीज़ मुझे तब एहसास हुई कि जस्ट 5 मिनट में आपका रिप्लाई आ गया कि मुझे डिटेल्स भेज दीजिए, मैं उस टाइम आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय में देने के लिए। तजुर्बा के आज के एपिसोड में बस इतना ही, ऐसी तमाम गेस्टों से आपको मुलाकात कराते रहेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हेमंत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।